तो स्वागत करता हूं दोस्तों आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो हम सीखेंगे सिंपल स्टूडियो का पोस्टर होता है वो कैसे बनाएं। इसमें कुछ ज़्यादा आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सिंपल से आपको स्टेप बैकग्राउंड लेना है और टेक्स्ट लिखने और पीएनजी लगाने और अपना जो स्टूडियो का पोस्टर रेडी हो जाएगा। तो आपको यही सिखाऊंगा मैं, ठीक है। और साथ में आपको इसकी पीएलई फाइल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जो पासवर्ड आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको ऐसी फोटो एडिटिंग सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डेली आपको एक वीडियो मिलता रहता है। साथ में आपकी हेल्प के लिए उसकी पीएलई फाइल भी आपको मिलती रहे, तो इसलिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन क्लिक कर दो। तो अपने पिक्सेल लैब ऐप को हम ओपन कर लेते हैं और आज की वीडियो को हम सीखते हैं। और पिक्सेल लैब ऐप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना पिक्सेल लैब ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल से आपको क्या करना है, आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, क्योंकि इसको साइज से बनाएंगे तो साइज लेना ज़रूरी बनता है, ठीक है। तो इमेज साइज़ वाले पर जाके आपको क्या करना है, एक साइड में आपको लेना है 1500 और एक साइड में लेना 800, ठीक है। ये साइज़ आपको ले लेनी है, ओके कर देना, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपना एक रेड लाल है ना रेड, तो वो बैकग्राउंड आपको ले लेना, ठीक है। बैकग्राउंड लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है, चार नंबर वाले पर, ठीक है। चार नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कलर वाला, तो कलर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना सिंपल सी। यहाँ से अपना जो रेड कलर है वो सिलेक्ट यहाँ से कर लेना आपको, ठीक है। रेड कलर हमने ले लिया, ओके कर देना, ठीक है। फिर आपको अपना बैकग्राउंड ले लिया, अब हमें क्या करना सिंपल सी, आपको यहाँ पर जो एक बार मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना सिंपल सी गणेश जी का एक पीएनजी लगा देना, चलो मैं लगा देता हूँ, ठीक है, वो लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना, अपना स्टूडियो का जो भी ओनर है उसका यहाँ पर नाम लिख देना प्रो लगा के, ठीक है। तो प्रो लगा के मैं लिख देता हूँ जो भी स्टूडियो का ओनर है, ठीक है, ये हमें कर दिया। फिर आपको क्या करना सिंपल सी, इस ओनर का यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिख देना है, ठीक है, एक साइड में, तो वो भी मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, ये हमने लगा दिया। फिर क्या करना है, मोटे मोटे अक्षरों में क्या करना है, जो बोल्ड फॉन्ट होता है उससे हमें अपने स्टूडियो का जो भी नाम है वो लिख देना है, ठीक है। तो स्टूडियो का नाम हम लिख देते हैं, तो ये हमारे स्टूडियो का नाम है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर राजस्थान नंबर वन हम कर सकते हैं, ठीक है, पीएनजी दे के पीछे बैकग्राउंड उसको लगा देना है, तो हम ये कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, अपने कैमरे की और जो रिकॉर्डर है ना उसकी पीएनजी होती है वो यहाँ पर एडजस्ट कर देनी है दोनों तरफ, क्योंकि स्टूडियो का पोस्टर बनाने में पीएनजी तो बनता ही है, ठीक है। तो ये लगा दिया, ठीक है, दोनों तरफ मैं लगा देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, साथ में ई मित्र भी है तो ई मित्र वाला यहाँ पर पीएनजी हमें लगा देना, ठीक है। तो ई मित्र वाला पीएनजी मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। फिर आपको जो भी सुविधा होती है स्टूडियो की, क्रेन और जो ड्रोन, तो वो वाली पीएनजी भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो हम ये पीएनजी भी लगा दी। फिर हमें क्या करना सिंपल से, यहाँ पर एक शेप लेनी है पूरी जो येलो कलर में, चलो मैं दिखा दूँ आपको लेके, ये हमें ले लेनी है, ठीक है। सिंपल सी पर एक शेप और लेनी है, शेप कौन सी लेनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लस वाले ऑप्शन पर शेप वाले पर यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये वाली शेप हमें ले लेनी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये वाली शेप आपको ले लेनी है, ठीक है, ये वाली तो मैंने पहले ले रखी है, आपको दिखा देता हूँ। मैंने लेके जो पहले ले रखी वो वाली शेप आपको दिखा देता हूँ सिंपल सी, जो शेप हमें ये वाली। फिर यहाँ पर ईमित्र सेवाएं लिख देंगे इसके ऊपर, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे एड्रेस हमारे स्टूडियो का, ठीक है। तो स्टूडियो का एड्रेस हमने लिख देंगे, अपना पोस्ट बन के रेडी हो चुका, इसको आप सेव कर लेना है। और फिर इसकी पीएलई फाइल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से अपने पिक्सेल लैब में आपको ऐड कर लेनी है वो पीएलई फाइल। और पीएलई फाइल ऐड करने के बाद आपको क्या करना, जो भी चेंज करना है अपना चेंज कर लेना, ठीक है। सारे फॉन्ट है ना वो हिंदी फॉन्ट है, कोई यूनिकोड आपको लगाना नहीं, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, पासवर्ड आपको पीएलई फाइल का वीडियो मिल गया होगा, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर लेना, जो भाई चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।